दोस्तों, एस्टीमेशन कॉस्टिंग की इस नई कड़ी में आज आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आप अपने सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड अपने घर में यूज करते ही होंगे और बारीकी से इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके बिना आपका घर बिल्कुल ही अधूरा होता है। तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं कि आप इसकी क्वांटिटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे जानेंगे कि इसकी क्या क्वांटिटी है। तो आइए शुरू करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट। एक कंक्रीट बनाने में कितनी इसकी खपत होती है, तो मान लीजिए अगर हम वॉल्यूम डिसाइड करते हैं तो एक क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं M15 की, जो 1:2:4 की होती है। 1 मीन्स सीमेंट, 1 की बात करें तो ये आपको सीमेंट की बात करेगा, और 2 की बात करें तो ये सैंड आएगी, 4 बात करें तो एग्रीगेट की। अब बात करते हैं कि इसका समेशन कितना है, तो सम ऑफ रेशियो हम लोग मान लेते हैं तीनों का एक्यूरेटली 7 आता है। इसकी कोई दूसरी अल्टरनेट। अब बात करते हैं कि इसका ड्राई वॉल्यूम कितना होगा, तो ड्राई वॉल्यूम का हम लोग फॉर्मूला बेसिकली जानते हैं कि अगर एक क्यूबिक मीटर है तो एक क्यूबिक मीटर का ड्राई वॉल्यूम अगर निकालते 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1.54 मीटर क्यूब हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसी ड्राई वॉल्यूम से हम निकालेंगे कि हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ये तीन ब्रह्मास्त्र जो घर बनाने में काम आते हैं, इससे कितने निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीमेंट की। तो सीमेंट में हम देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब की अगर बात करेगा, मीटर क्यूब में निकालते हैं, हम तीनों फॉर्मूला बताएंगे, केजी में, मीटर में और इसके सीएफटी कितने लगेंगे, वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो 1 मीटर क्यूब की बात करें तो ड्राई वॉल्यूम का अगर हम लेते हैं तो ड्राई वॉल्यूम 1.54, और अगर रेशियो हमारा 1 है, एक सीमेंट अगर बना रहे हैं तो 1, और टोटल समेशन हमारा 7:1 आ गया, तो 1/7 × 1.54 0.22 मीटर क्यूब हमारा सीमेंट इसमें लगेगा। अब बात कर लेते हैं केजी में, तो केजी की बात करें तो हमारे पास 1.54 आ गया ड्राई वॉल्यूम, रेशियो 1/7, और इसका यूनिट वेट जो हमारा आता है वो 1440 है, जो 1440 से 1500 तक जाता है, इसलिए हम 1440 लेके चलते हैं, तो हमारा 316.8 केजी वेट हमारा आ जाता है। अब बात करते हैं इसके बैग कितने हो गए, तो हम लोग जानते हैं कि एक बैग में 50 किलो का सीमेंट होता है, एक कट्टा 50 केजी का आता है, तो नंबर ऑफ बैग्स हमारा 316.8/50, लगभग 6.336 बैग आएंगे, जो सिमिलर है, क्योंकि 6.5 बोरा सीमेंट आपको कोई देगा नहीं, इसलिए हम लोग 7 बोरा लेके चलते हैं कि आपको सीमेंट इसमें लगेंगे। अब बात कर लेते हैं सीएफटी की, तो सीएफटी हमारा 0.22 अगर लेके चलते हैं तो 3.28 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो हमारा 2.367, और प्लस जो हमारा सीमेंट का निकला हुआ था बैग में वो 6.33 है, लगभग 8.69, ये ज़्यादा वैल्यू आ गई। लेकिन अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम बैग के हिसाब से अगर देखें तो बैग के हिसाब से हमें पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं 1.226 टाइम्स सीएफटी का, ये हमारा थंब रूल है, और नंबर ऑफ बैग्स हमारा आ गया 6.336, लगभग 7.77 सीएफटी हमारा सीमेंट आ जाता है। अब बात कर लेते हैं सैंड की, जो महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सैंड अगर मीटर क्यूब में बात करें तो हमारा 1.54 आएगा, रेशियो हम जानते हैं, यहाँ पर हमने निकाला था 1:2:4, ये 2 हमारा सैंड है, इसलिए 2/7, इस तीनों का समेशन हमारा 7 है, तो रेशियो हमारा आ जाता है 0.443 मीटर क्यूब हमारा सैंड इसमें लगेगा। अब ये चीज़ देख रहे हैं 0.44, यानी कि 2 गुना लग रहा है, आपका सिमिलैरिटी चलती जा रही है, मीटर क्यूब 0.22 आ रहा था, अब ये 0.44 आ रहा है, मतलब 2 गुना हमारा आ गया। इसी तरह से ये भी आएगा। अब केजी में बात करें तो उसी तरह से हम लोग 1.54 × 2/7 करेंगे, और इसका
1450 से 1500 तक जाता है इसका यूनिट वेट, इसलिए हम लोग 1450 लेके चलेंगे तो हमारा 638 केजी आ जाएगा। बात करें सीएफटी में तो सीएफटी का फॉर्मूला है 1.54 × 2/7 और 35.3147। ये फार्मूला मैं बैक वीडियो में बना रखा हूँ कि ये कैसे वेरीफाई हुआ था कि 35.3147 हमारा आता है, लगभग 15.54 सीएफटी हमारा आ जाएगा। तो 7.77 हमारा सीएफटी सीमेंट था और इसका सीएफटी हमारा 15.54 आ रहा है। अब बात करते हैं कि इसका हम अल्टरनेट मेथड बताते हैं। अल्टरनेट मेथड में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीमेंट्स का बैग प्लस इनटू वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इन सीएफटी और जो रेशियो है हमारा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6.336 × 1.226 × 2 लगभग हमारा उतना फिर आ गया। तो ये अल्टरनेट आपका इजी होगा। आप अपने जब साइट पे जाएंगे, साइट पे आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको ये अल्टरनेट पॉइंट डिक्लेयर होते रहेगा। अब बात करते हैं एग्रीगेट की। एग्रीगेट का फॉर्मूला हमारा उसी तरह से है, रेशियो हमारा था 4, ये हमारा एग्रीगेट था। तो 1.54 × 4/7 = 0.88 m³। तो हमारा चौथा वेरिएंट आ गया, 0.22 × 4 करिएगा तो 0.88 आ जाएगा। इसी तरह केजी में बात करें तो 1.54 × 4/7 × 1500 लगभग 1320 केजी हमारा एग्रीगेट आएगा। सीएफटी की वैसे ही बात करें तो 1.54 × 4/7 35.3147 जो हमने सेंड में लिया था, सेम उसी का एक हमारा सीएफटी वैल्यूम होता है एग्रीगेट के लिए, 31.07 सीएफटी आएगा। इसकी भी अल्टरनेट उसी तरह से जैसा हमने आपको सीमेंट में बताया, सॉरी सैंड में बताया, उसी तरह नंबर ऑफ सीमेंट बैग, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इन सीएफटी और रेशियो, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा इतना आ जाएगा। ये थी 1 m³ वॉल्यूम में कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लग रहा है उसका फॉर्मूला। इसके तहत आप अपने घर में जितने लगेंगे उस पर आप पूरी तरह से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन।